क्या कर रहे थे सर? यहाँ मैं कोरोना से लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, इसके वजह से मैंने टेम्परेचर और उनका ऑक्सीजन लेवल जो कि घर घर जा कर के मैंने चेकअप कर रहे हैं। आज मैं मझगवा ग्राम सभा में हूँ, मझगवा ग्राम सभा हरिया ब्लॉक मिर्ज़ापुर में हूँ। 11 लोगों को मैंने चेकअप किया जिसमें से 11 लोग स्वस्थ निकले। उनका टेम्परेचर 97.3, 98.3, 99.1, लगभग ऐसे लगभग 11 लोगों का निकला हुआ है। जो कि ऑक्सीजन लेवल भी उनका लगभग फिटनेस ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 97 है, फिर 78 है, कोई दिक्कत भी नहीं है। लोग डर रहे हैं। जब मैंने यहाँ शुरू में आया तो 11 लोगों की जब जांच किया तो महिलाएं भी इसमें कुछ थी जो उसमें डरने लगे। तो जब उनका चेक करने के बाद मैंने उनको प्रयास किया तो कहेंगे नहीं, अब हमको डर नहीं है। और मैंने इन लोगों को बताया कि आप लोग डरिए मत, हिम्मत से काम करिए। डरने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है कमज़ोर होगा। आप हिम्मत से काम करिए, कोई भी चाहे सर्दी जुकाम बुखार हो, आप लोग डरिए मत। काढ़ा का प्रयोग करिए, गर्म पानी का भाप लीजिए, गर्म पानी दिन में 1 से 2 बार ज़रूर पिए। ये सब आप अपना सिस्टम अपनाते रहिए। और ज़्यादा दिक्कत अगर होती है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जा करके सही ढंग से उपचार कराएं। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट संदेश यह है, जितने भाई मित्र डॉक्टर हैं वो अपना अगर पेशेंट देख रहे हैं गांव में या शहर में तो अपना कोरोना जांच करवाने के बाद ही मरीजों का ट्रीटमेंट करें, ताकि अगर मेरा डॉक्टर भाई अगर पॉजिटिव होते हैं तो गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, अगर डॉक्टर पॉजिटिव हो तो मेरा पेशेंट को भी पॉजिटिव होने का पूरा संभावना हो सकता है। एक भी नया संदेश आ रहा है।